जय हिंद, नमस्कार साथियों। इन दिनों कुछ युवाओं के सामने इस तरह की समस्या आ रही है कि उनको भर्ती रैली के लिए दो अलग अलग स्थान बताए जा रहे हैं, यानी भर्ती को लेकर जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें भर्ती का स्थान कुछ और बताया जा रहा है, जबकि उनके पास में आर्मी से जो मेल आया है, जो मैसेज आया है, उसमें रैली का स्थान कुछ और बताया जा रहा है। दरअसल यूपी से कई युवाओं ने हमें कॉल में मैसेज करके बताया कि उनके एडमिट कार्ड में भर्ती स्थल जो बताया जा रहा है वो गढ़वाल ग्राउंड कटिहार बताया जा रहा है, और इस एडमिट कार्ड में यह भी बताया जा रहा है कि 30 नवंबर को रात्रि 12:15 बजे अभ्यर्थियों को यहां पर रिपोर्ट करना है। जबकि दूसरी ओर इन्हीं अभ्यर्थियों के पास में जॉइन इंडियन आर्मी मेल एड्रेस से एक मेल आया है, मैसेज आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों को 30 नवंबर को रात्रि 1 बजे एडमिट कार्ड के साथ में रांची में रिपोर्ट करना है। ये समस्या हो सकता है कि काफी युवाओं की हो, लेकिन हमें 4-5 युवाओं ने इसके बारे में जानकारी दी है, जिसमें अब युवाओं में इस मैसेज को आने के बाद से यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार उन्हें भर्ती रैली में शामिल होने के लिए कहां जाना है, कटिहार या रांची। ऐसे में सेना भर्ती कार्यालय को भी समय रहते इन युवाओं की समस्या पर गौर करते हुए उन्हें सही जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि ये युवा अपनी सेना भर्ती रैली में शामिल हो सके। साथ ही हम इन युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि आप इसके लिए समय रहते अपने अपने सेना भर्ती कार्यालय में संपर्क करें और उन्हें इस तरह की समस्या से अवगत कराएं, ताकि आपको भर्ती के समय किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा अगर किसी दूसरे स्टेट के युवाओं को भी इस तरह की समस्या है तो वो भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वहां पर वो हमें जानकारी भेज सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी के वाराणसी में 16 नवंबर से शुरू होने जा रही सेना भर्ती रैली को लेकर है। इस भर्ती में उन युवाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है जिन्होंने अग्निपथ योजना लागू होने पर इसका हिंसात्मक विरोध किया था या किसी उपद्रव में वो शामिल हुए थे। इसको लेकर 12 जिलों की पुलिस ने युवाओं की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और यह सूची पुलिस ने सेना भर्ती कार्यालय को भी सौंप दी है। ऐसे में जिन युवाओं का इस सूची में नाम है, अगर वो सेना भर्ती में शामिल होने जाते हैं तो उनकी पहचान कर उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को यह भी हिदायत दी गई है कि भर्ती के दौरान कोई भी युवा शक्तिवर्धक दवा जैसे इंजेक्शन या नशीले पदार्थ लेकर बिल्कुल न जाए, क्योंकि अगर तलाशी के दौरान आपके बैग में या आपके पास में कोई भी ऐसी प्रतिबंधित दवा पाई जाती है तो उस पर आप पर की जा सकती है। इसलिए कोई भी युवा ऐसी गलती बिल्कुल ना करे जिससे कि आपको सेना भर्ती से बाहर कर दिया जाए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।